हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि यमाहा PSR-E 363 है, उसमें टूटी की टोन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप एक एक नोट कर लेना और ऐसे आप लगाओगे तो अपने कीबोर्ड में भी आप आसानी से टूटी की टोन बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एम वॉल्यूम पे चला जाता हूँ। पहले जो टोन है वो रखनी है 27 नंबर की, जो टोन है हमारे कीबोर्ड में वो हमने सिलेक्ट की है। और अब एम वॉल्यूम रखनी है 121। उसके बाद एम ऑक्टिव आता है, एम ऑक्टिव आपको 0 रखना है। उसके बाद एम कोरस 0। डी वॉइस पे आ जाते हैं। डी वॉइस में 90 नंबर पे जो है 18 ब्रास करके है टोन, तो वो रखनी है। उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम है डी वॉल्यूम वो 60 रखनी है। और डी ऑक्टिव 0, डी चोरस 25, एस वॉइस में कोई भी आप रख सकते हैं, मैंने फिलहाल अभी ये ब्रास का ही रखा है। इसकी वॉल्यूम 100 रखी है, 100 नहीं रखनी है, 40 ही रखनी है, ठीक है। बाद में एस ऑक्टिव -1 रखा है, आप +1 भी रख सकते हैं, एस चौरस 0। अब रिवर्ब में हॉल 2 रखना है, और इसका जो रिवर्ब लेवल है वो 190 मतलब 119 चलेगा। चौरस 1 रखना है आपको, सस्टेन ऑफ रखना है, मास्टर EQ स्पीकर 1, हार्मनी अभी आपको नहीं रखना है इसमें, ये हार्मनी का कुछ हम एडिट नहीं करेंगे, यहां से ऑप्शन चालू नहीं रख। और यहां से जो ऑप्शन चालू रखने हैं उसमें ये जो ड्यूअल का ऑप्शन है एक ही टिक करके रखना है, बाकी ये ACMP ये कोड का है मतलब। तो बहुत ही बेहतरीन ये टूटी की टोन बनती है।